हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस और मैथ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो बगल में घंटा आ रहा है उसे भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जब कोई काम मतलब पहले से शुरू हो और अभी तक चल रहा हो, यानी कि जैसे श्याम इस किताब को 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब श्याम एक किताब पढ़ रहा है 2 घंटों से। सो फ्रेंड्स, मतलब कि वो उसने काम तो शुरू 2 घंटे पहले कर दिया है, पर वो खत्म अभी नहीं हुआ है। तो इसी तरह के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसकी पहचान होते हैं कि इसमें मतलब कि कोई भी एक टाइम लिमिट दी रहती है और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज हैव या हैव बीन। तो जो हमारी हैज हैव होती है वो फ्रेंड्स एक वचन कर्ता के लिए होती है, यानी कि जैसे ही है, सी है, इट है या नेम है, तो वो इनके लिए वो हैज हैव होता है। और जो मतलब हमारा हैव बीन होती है वो हमारी बहुवचन कर्ता के लिए होती है, जैसे आई, वी, यू, दे। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या कहने का मतलब था। अब हम अपने टेंसेस की ओर बढ़ते हैं। सो जो हमारा टेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। सो इसका जो रूल नियम होता है, मैं थोड़ा जूम की दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो इसका नियम होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हर सब्जेक्ट में होता है, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सारे रूल एक जैसे ही होते हैं, बस उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है। अब पहले जैसे सब्जेक्ट है तो श्याम, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम श्याम लिख लेते हैं। श्याम हैज बीन, श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक। Since 2 hours, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, since 2 hours। तो आपको अभी तक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह बता रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर, जो है निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी वही नियम होते हैं, बस इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट या नेवर लग जाता है। सो इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका जो रूल होता है फ्रेंड्स वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब और वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, सो आई हैव बीन, क्योंकि आई एक बहुवचन है, आई हैव बीन
नहीं फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा हैव के बाद नॉट लगता है, फिर जब निगेटिव सेंटेंस में बस होता है, और फिर बीन लास्ट में लगता है नॉट के बाद। आई हैव नॉट बीन फीवर। सिंस आई हैव नॉट बीन फीवर सिंस मंडे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके जो मतलब रूल होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब में और ऑब्जेक्ट। ये होता है अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए शुरुआत में अगर क्वेश्चन वर्ड आए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे जैसे एग्जांपल है, क्या सोनम सो रही है, 2 घंटे से सो रही है। इज, वो इज लिख रहा हूँ सॉरी। हैज बीन सोनम, हैज बीन सोनम स्लीपिंग सिंस 2 आवर। अब फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं इस सेंस और फॉर लास्ट में क्यों लगा रहा हूँ। तो फिर फ्रेंड्स इसका रीजन है, जैसे इसमें हमको टाइम लिमिट दे रहे हैं, जैसे 2 घंटे से या 3 दिन से या 5 हफ्तों से या सुबह से इस तरह दे रहे हैं। तो उससे उसके लिए एक हमें वर्ड होता है, तो या तो हम इसके लिए सिंस लगाते हैं या तो फॉर लगाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा सिंस होता है उसे तब लगाते हैं जब कोई परफेक्ट गिनती करनी है, जैसे 1 दिन या 2 हफ्ते या 3 दिन और या फिर वह जैसे वह 4 हफ्तों से दिल्ली में रह रहा है या फिर वह 5 दिन से घर नहीं आया। अब फ्रेंड्स जो हमारा फॉर होता है उसकी थोड़ी सी मैथ कमज़ोर होती है, यानी वो इससे नहीं वर्क करता, या वो भी लगता है बट मतलब कि जब वो लगता है जैसे कि मतलब कि कोई वो परफेक्ट वर्ड नहीं होता। ऐसे वह 2002 से दिल्ली में रह रहा है, तो फ्रेंड्स 2002 से तो इसमें कोई परफेक्ट नंबर थोड़ी है कि वो हाँ वो 2002 से रह रहा है तो अभी तक कितनी देर हुई है। अब जैसे है वह रविवार से रह रहा है, वह रविवार, अब रविवार भी कोई नंबर थोड़ी ना है। तो मतलब कि नंबर जब होता है तब उसके लिए सिंस लगता है और जब कोई वर्ड होता है तब उसके लिए फॉर लगता है। अब चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें भी आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यह डॉक्टर अप्रैल से रोगियों को दवाई नहीं दे रहा है, दवाई दे रहा है। सो दिस डॉक्टर इज नॉट नहीं, दिस डॉक्टर हैज बीन गिविंग मेडिसिंस दिस डॉक्टर हैज बीन गिविंग मेडिसिन टू द
पेशेंस, सिंस, सिंस नहीं यहाँ पे फॉर लगेगा, अप्रैल। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि हम इन्हें कैसे कर रहे हैं। अब हमारा जो सेकंड टेंस है वह है रात्रि के 9 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही यहाँ पे थी है हो रही है। यहाँ पे लगेगा देयर इज देयर इज फिर यहाँ पे उसकी फिर बारिश की मीनिंग लग जाएगी। तो हमारी जो बारिश की मीनिंग होती है वो होती है फ्रेंड्स, मुझे अभी बारिश की मीनिंग याद नहीं आ रही है। सो देयर इज हाँ हम यहाँ बारिश की तो पता है रेनिंग थिंग मूसलाधार की भी नहीं याद आ रही है। देयर इज रेनिंग वेरी हम लिख देते हैं मच। देयर इज रेनिंग हैज बीन वेरी मच मच सिंस 9 o'clock ऑफ नाइट। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर। इसी तरह है हमारा फ्रेंड्स अगला प्रश्न है क्या मेरे पिताजी 2 वर्षों से घर तलाश रहे हैं। सो हैज बीन माय फादर फाइंडिंग होम सिंस 2 आवर ओ सिंस 2 ईयर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं इनमें से 2 हम सॉल्व करेंगे तथा जो 2 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हरी कितने दिन से नौकर ढूंढ रहा है। कितने दिनों से सो हाउ मैनी डेज नहीं हाउ मैनी द हरी हरी हैज बीन फाइंडिंग द सर्वेंट। सो फ्रेंड्स ये जो हमारे सेंटेंस है ये बहुत इजी सेंटेंस है। अब जो है सरला 2 बजे से गाना नहीं गा रहे। सो सरला हैज बीन नॉट सिंगिंग सिंस 2 o'clock। अब जो हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं उम्मीद करता हूँ ये आप घर से बना के लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।